प्रिंसेप घाट का जो मोन्यूमेंट है और हुगली ब्रिज, टहलते टहलते प्रिंसेप घाट में ये बोर्ड हमें दिखी। विद्यासागर सेतु एक्चुअली हुगली ब्रिज का नाम है। हुगली ब्रिज इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट केबल ब्रिज है। तो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज, आज का ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज आज हम लोग आए हैं प्रिंसेप घाट में, और यहाँ से प्रिंसेप घाट से हम लोग जाएंगे फिर हुगली ब्रिज। हुगली ब्रिज जो कि काफ़ी शानदार है। और गाइज, हुगली ब्रिज के बारे में मैं बता दूं कि इंडिया की केबल ब्रिज में से एक है हुगली ब्रिज, क्योंकि इंडिया में बहुत ही गिने चुने केबल ब्रिज है, तो हुगली ब्रिज भी केबल ब्रिज में आता है। तो फिलहाल गाइज, हम लोग पहले प्रिंसेप घाट को एक्सप्लोर कर रहे हैं, थोड़ा टहल रहे हैं, उसके बाद हम लोग हुगली ब्रिज पे जाएंगे। तो पहले इस बीच में मैं संजीव को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहता हूँ कि इसका जो सब्सक्राइबर है वो काफी बढ़ चुका है। थैंक यू। और बहुत बड़ा ब्लॉगर हो चुका है जब से इन्होंने काचा बादाम का वीडियो बना के आया है। ये सब ऑडियंस का प्यार है, मेरे जो ऑडियंस है, मेरे जो सब्सक्राइबर है, उन्हीं सबका सपोर्ट है। तो आप सभी को सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, 6 या 7 लाख से ज्यादा व्यूज आपने दिलाया है, और मेरी फैमिली यूट्यूब फैमिली काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है। तो फिलहाल पहले चलते आगे प्रिंसेप घाट को एक्सप्लोर करते, देख कौन कौन सी जगह है जो एक्सप्लोर करने लायक हैं और आप सभी को दिखाने लायक हैं। ये है फ्रंट गेट ऑफ प्रिंसेप घाट, वहाँ पे हमने अपनी स्कूटी पार्क की है, और यहाँ से देखो प्रिंसेप घाट का जो मोन्यूमेंट है और हुगली ब्रिज काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही है। दोनों ही चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही हैं। फिलहाल अभी हुगली ब्रिज पर भी हम लोग चढ़ेंगे, यानी बाइक राइड करेंगे, तो बहुत ही अच्छा व्यू आने वाला है। अभी जस्ट ऐसे ही बैठा हुआ था तो प्रिंसेप घाट का जो मोन्यूमेंट है, जेम्स प्रिंसेप वाला जो मोन्यूमेंट है ना, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है देखने में। प्रिंसेप घाट में एंट्री लेने के बाद यहाँ पे प्रिंसेप घाट का जो ट्रेन स्टेशन है ना, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो फिलहाल अभी कोई ट्रेन नहीं आ रही है, इसीलिए आराम से हम लोग जा रहे हैं, और यहाँ से प्रिंसेप घाट की शुरुआत होती है। टहलते टहलते प्रिंसेप घाट में ये बोट हमें दिखी, और बोट देखने के बाद हमने सोचा चलो बोट पे चढ़ते, थोड़ा गंगा नदी में सैर करते हैं। लेकिन बाद में पता चला कि यहाँ की जो बोट की चार्जेस है ना, 400 रुपीज़ है। तो हमने 400 सुना तो फिर हमने बोला छोड़ो, 2 जन है, 4 जन या 5 जन होते, 400 पता नहीं चलता, लेकिन 400 बहुत ज़्यादा 2 जन के लिए। तो हमने सोचा कि छोड़ो, बाद में आते हैं, जब कभी ग्रुप में रहेंगे तब बोट की राइडिंग करेंगे। तो गाइज, यहाँ प्रिंसेप घाट में भी खाने के सब स्टॉल लगे हुए हैं, और यहाँ से देखो ये व्यू, क्या बताऊँ मैं, जितनी तारीफ करूँ कम है, कितनी सुंदर लग रही है। और सोलर पैनल लगे हुए हैं, देख रहे हो कि कितनी हाईटेक है ये। तो गाइस, आपको मैं एक बात बता दूं कि प्रिंसेप घाट खासकर कपल लोग का प्लेस है, यानी यहाँ पे जो कपल्स होते हैं, शादीशुदा मैरिड होते हैं और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, तो वो लोग खासकर आते हैं यहाँ पर। एरियम पार्क और प्रिंसेप घाट, फिर इलाइट पार्क, ये सब पार्क जो है ना वो कपल्स लोग के लिए है। फिलहाल इस प्लेस पे अगर आप आते हो ना, तो आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि कपल्स प्लेस है, तो ये आप फैमिली के साथ या घूमने नहीं आ सकते हो, यानी अपने बच्चों और फैमिली के साथ, मैं जहाँ तक मैं आपको प्रीफर कर रहा हूँ। तो गाइज, इस जगह पे जब सूरज शाम को डूबता है ना, तो यहाँ पे कपल्स लोग या जो भी हैं बैठे रहते हैं, हमारे तरह सिंगल लोग भी बैठ के जब व्यू देखते हैं ना, काफ़ी मस्त लगता है। अभी सूरज तो फिलहाल काफ़ी ज़्यादा चमक रहा है। और गाइज, हुगली ब्रिज के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ, तो हुगली ब्रिज इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट केबल ब्रिज है, यानी इंडिया में सबसे लंबा जो ब्रिज है केबल वाला, वो हुगली ब्रिज है। उसके बाद शायद मुंबई का या और कोई ब्रिज है, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। तो फिलहाल हुगली ब्रिज ना हावड़ा और कोलकाता को कनेक्ट करता है एक दूसरे से। पहले एकमात्र ब्रिज हावड़ा ही था जो कोलकाता और हावड़ा को कनेक्ट करता था, लेकिन बाद में हुगली ब्रिज को बनाया गया, जिसके बाद हावड़ा ब्रिज पे जो लोड पड़ता था ना ट्रैफिक का, वो कम हो गया। हुगली ब्रिज भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रोल प्ले करने लगा कोलकाता के ट्रांसपोर्टेशन में। इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसका नाम है रविंद्र सेतु, नहीं विद्यासागर सेतु। विद्यासागर सेतु एक्चुअली हुगली ब्रिज का नाम है। इसे हुगली ब्रिज दूसरे नाम से जाना जाता है, सेकंड हुगली ब्रिज जो कि इसका दूसरा नाम है। और फर्स्ट हुगली ब्रिज हावड़ा ब्रिज को कहते हैं, फर्स्ट जो हुगली ब्रिज है हावड़ा ब्रिज को कहते हैं, उसका भी मैं सेपरेट ब्लॉग बनाऊंगा। और हुगली ब्रिज में 121 केबल्स लगी हुई हैं, 121 केबल जो कि विदेशों में ही देखने को मिलती है ऐसी ब्रिज, लेकिन फिलहाल अपने इंडिया में भी है। तो फिलहाल अब चलते हैं हुगली ब्रिज को एक्सप्लोर करते हैं। तो फिलहाल गाइस, प्रिंसेप घाट तो हमने घूम लिया है मैंने और विनय ने, हुगली ब्रिज को शेयर करने के लिए हुगली ब्रिज पे चलते हैं, बाइक राइड करते हैं और हुगली ब्रिज को दिखाते हैं आप सभी को, काफी मजा आने वाला है। अब सीधा वहाँ पे मिलते हैं, तो गाइस, प्रिंसेप घाट से निकलने के बाद हम लोग जब हुगली ब्रिज के पास जा रहे थे, तो दूर से ही हुगली ब्रिज देखने में काफी ज्यादा सुंदर लग रहा था, और हम लोग के अंदर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट था, खासकर मेरे दोस्त विनय के अंदर। बीच रास्ते में ही आर्मी के कैंप मिली, जहां पर आप देख सकते हो कि एरोप्लेन तोप के जो मोन्यूमेंट है बनाए गए हैं, और उसके बाद फाइनली हम लोग सेकंड हुगली ब्रिज के जो ब्रिज जहां से स्टार्टिंग होती है उस पे हम लोग चढ़े। काफी ज्यादा मजा आ रहा था,
क्योंकि फर्स्ट टाइम हुगली ब्रिज को देखने जा रहे थे और जहाँ पे गाड़ियाँ बहुत ही तेजी से निकल रही थी और दूर से हुगली ब्रिज इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, आप वीडियो में देख के ही समझ सकते हो। और पास आने के बाद मानो हुगली ब्रिज बहुत ही ज़्यादा बड़ा दिखने लगा, क्योंकि दूर से उतनी ज़्यादा बड़ी नहीं लग रही थी, लेकिन पास आने के बाद बहुत ही बड़े बड़े केबल्स और उसके बाद और जो इंफ्रास्ट्रक्चर थी हुगली ब्रिज की काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। के बाद देखो कोलकाता का व्यू और आप दूर से देख सकते हो कि द 42 जो कि इंडिया की सबसे हाईएस्ट बिल्डिंग है दूर से कितनी ऊंची और खूबसूरत लग रही है। फिलहाल गाइस हुगली ब्रिज को क्रॉस करने के बाद हम लोग एक जगह पे रुके हुए हैं, तो आपने देखा कि हुगली ब्रिज कितनी शानदार लग रही थी। मीना कैसा लग रहा था हुगली ब्रिज? बहुत अच्छा लग रहा था। फर्स्ट टाइम हम लोग हुगली ब्रिज पे गए थे और आप सभी को फर्स्ट टाइम दिखा रहे हैं। आज तक मैं और बिना कभी हुगली ब्रिज पर गए नहीं थे, बस दूर से ही हमने देखा था। वो तो गाइज आप सभी को दिखाने के लिए हम लोग पहली बार हुगली ब्रिज को एक्सप्लोर कर रहे थे और प्रिंसेप घाट को तो पहले मैं एक्सप्लोर कर चुका हूं। जब हुगली ब्रिज पे गया ना तो काफी मजा आ रहा था, बिना भी काफी एकदम मस्ती कर रहा था। इसने तो मेरा मोबाइल होल्ड किया था, मैं तो स्कूटी चला रहा था, तो काफी मजा आ रहा था और हवा कितनी तेज बह रही थी ना विनय। तो गाइस चलते हैं, इस ब्लॉग को अब यहीं पर एंड करते हैं। आई होप गाइस कि आपको ब्लॉग काफी पसंद आई होगी। और गाइस जैसा कि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है इसलिए ब्लॉग थोड़ा लेट आ रहा है, क्योंकि इतनी गर्मी में ना ब्लॉग बनाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है बहुत ही। अभी आज की टेम्परेचर है कोलकाता की 40 डिग्री सेल्सियस, जो कि काफ़ी ज़्यादा यानी क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है मुझे भी, विनय को भी। तो गाइस अगर ब्लॉग लेट से आते हैं तो प्लीज़ समझने की कोशिश करना। ब्लॉग को करते ही पर ख़त्म, तो आई होप गाइस कि आपको ब्लॉग पसंद आई होगा। और अगर ब्लॉग पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे नए हो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गाइस विनय भी ब्लॉग बनाता है जिसके चैनल का नाम है विनय ठाकुर ब्लॉग्स, उसके चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाना सब्सक्राइब करना और इसके चैनल में जो वीडियोज है आप देखना, आपको पसंद। मिलते हैं फिर से एक नए मजेदार जगह के साथ, एक मजेदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।